आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप डेट के लिए ड्रॉप डाउन में डेट कैलेंडर लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यूज़ किया है। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने जिस सेल पर या जिस कॉलम में आप डेट फॉर्मेट यूज़ करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे और डाटा में चले जाएंगे। डाटा में जाने के बाद आप डेट वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और हमारे पास ऐड रूल का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने ऐड रूल के ऑप्शन ऊपर क्लिक कर देना है और वहाँ हमारे पास क्राइटेरिया का लफ्ज़ यूज़ होगा। क्राइटेरिया में आप देखेंगे कि थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करने पर हमारे पास इस डेट वैलिड ये ऑप्शन शो होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। और इसके नीचे हमारे पास वो हमें तीन ऑप्शन दे रहा है, शो हेल्प टेक्स्ट फॉर सेलेक्ट सेल, यानी कि अगर आप कोई इसमें अपना एक कमेंट लिखना चाह रहे हैं कि इस तरह डेट को लिखा जाए, जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ कि ये डेट फॉर्मेट इस तरह लिखा जाएगा, इस सारे को कैंसिल कर लेते हैं और मैं लिख देता हूँ कि पुट डेट। चले मैं ऐसे कर देता हूँ, ये देखें ये पुट डेट मैंने लिख दिया। और इसके साथ ही हमारे पास एक और ऑप्शन शो हो रहा है जिसमें लिखा आ रहा है शो ए वार्निंग ऑन इनवैलिड डेट आर रिजेक्ट द इनपुट। इसमें से आप अगर उन्होंने इनवैलिड रेंज सेलेक्ट इनवैलिड तरीके से आपकी डेट लिखी है तो आप उसको यानी कि एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपका सिस्टम जो है। तो इसमें देख लेते हैं दोनों ऑप्शन को, मैं पहले आपको शो वार्निंग का ऑप्शन शो करवा देता हूँ। ये देखें जैसे अभी अप्लाई टू ऑल करना है, अगर आपने पूरे यानी कि कॉलम में करना है ऐड तो आप पूरे कॉलम में भी कर सकते हैं या जस्ट इन दिस इंस्टेंस इस ये भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी पूरे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ पूरा कॉलम, तो इसमें देखें ये मेरे पास ड्रॉप डाउन शो होना शुरू हो गया है। और अगर मैं इसमें कोई वैलिड इनवैलिड एंट्री करता हूँ, जैसे अभी ये मैं डेट पहले लिख रहा हूँ और मंथ बाद में लिख रहा हूँ और ईयर उसके बाद लिख रहा हूँ, तो ये देखें ये एक वार्निंग शो करनी शुरू कर दी उसने कि ये इनवैलिड है। अगर इसको मैं सेट करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये ले ही ना, ये डेट ऐसे ऐसे फॉर्मेट में ले ही ना, तो मैं रिजेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और डन कर दूंगा। अभी ये देखें इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और फिर मैं वही डेट उसी फॉर्मेट में लिखता हूँ, तो ये देखें ये हमारे पास वार्निंग मैसेज आ गया कि आप यहाँ डेट पुट करें, पुट डेट जो हमने यानी कि वार्निंग मैसेज का लगाया था। और अगर आप इसमें वैसे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं डेट, तो इसमें बेहतरीन हाल होता है कि आप डबल टैप करेंगे उस सेल में आके, तो हमारे पास पूरा कैलेंडर शो हो जाएगा, वहां से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम जब डाटा के लिए डेट फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो कोई गलती नहीं होती, हमारा जितना भी डाटा होता है वो एक्यूरेटली हमारे पास आ जाता है। ऐसे मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।